बस ऐसे झटके मत मारे, झटके मत। बहुत सुंदर कलर वगैरह सब बाप जैसा है। हाँ, बाप जैसे ही है, बाप हाइट भी अच्छी है, हाइट कान वगैरह सब। राजू थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, बढ़िया रहेगा। आर्यन और अनोखी का बच्चा है ये। हाँ, और अच्छा, दो अच्छा। दांत है अभी। हाँ जी, दिवाली को 3 साल का हुआ है अभी भी। हाइट इसकी 64.5 है अभी स्केल से। हाइट तो खूब अच्छी ली इसने। हाँ, और बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा है, अच्छा है बच्चा। ये राजस्वरूप का है ना? राजस्वरूप का पोता हो गया। राजस्वरूप का पोता हो गया। हाँ, लाइन वही हो गई। हाँ, वही उदयपुर पैलेस लाइन। हाँ, पैलेस लाइन का ही है ये। राजस्वरूप का बच्चा है आर्यन मेरे पास। हाँ जी, उसका बच्चा है ये। हाँ, तो अभी आर्यन का जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट में आता है ये? ये आर्यन का थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट। हाँ, इसके पहले भी आए हुए हैं बच्चे? हाँ, एक बच्ची थी, एक और बच्चा है था। अच्छा, ये अच्छा, तीसरा नंबर का। तीसरा, बहुत सुंदर। विकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अच्छा रिजल्ट है, हमारी शुभकामनाएं आपके घोड़े के ऐसे ही रिजल्ट आते रहे और आपका और आपके घोड़े का नाम हो। आर्यन की क्या हाइट होगी अभी अपने? आर्यन की 64 है। 64। ये बाप से भी बड़ा होगा? हाँ, बाप से भी बड़ा होगा। हाँ, इसकी एक्सरसाइज वगैरह यहाँ की क्या केयर टेकिंग अच्छी है। हाँ जी, हाँ, ये स्पोर्ट्स एकेडमी है तो डेली ग्रूमिंग पे इन्होंने अच्छा ध्यान देते हैं। हाँ, डेली एक्सरसाइज मालिश प्लस खुराक भी कुछ थोड़ी स्पेशल होगी, अच्छी है तभी तो और बढ़ेगा ये। तभी टूटी थे तो दो दांत ही है। ये अभी यहाँ पे है क्या? सागर, सागर इक्वेस्ट्रियन एकेडमी। अच्छा, यहाँ पे जयपुर में ही है? हाँ, जयपुर में ही है ये। कैप्टन भागीरथ जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड। हाँ जी, अपने 2 टाइम एशियन गेम्स में मेडलिस्ट हैं। अच्छा अच्छा, उनकी ये एकेडमी है राइडिंग। हाँ, वही ओनर है इसका। हाँ, अभी ये शो भी वही करा रहे हैं एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छे राइडर हैं और अपने इंडिया के टॉप लेवल के कोचेज में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर रिजल्ट है साहब। अभी तो इसको राइडिंग में नहीं निकाला होगा? हाँ, अभी तो बच्चा है। हाँ, अगले साल तैयार हो जाएगा। हाँ, अगले साल ये राइडिंग में तो इनका काम है, ट्रेनिंग का। हाँ, सही, राइडिंग में तो एक्सपर्ट बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादातर यहाँ तो सब थोरोब्रेड ही है। हाँ, थोरोब्रेड है, कुछ मारवाड़ी भी है। अच्छा, मारवाड़ी भी है। एक तो अपना ये है, ये है, एक और बच्चा है यहाँ पे। अच्छा, और 4-5 उधर मारवाड़ी सेक्शन है उसमें। अच्छा, वो अलग बना रखा होगा। हाँ, तो ये भी इसको भी राइडिंग में इसमें स्पोर्ट्स में लेंगे काम? हाँ, में स्पोर्ट्स में काम में लेंगे, राइडिंग में भी लेंगे। वही हार्ड बाउंड कार बहुत हैवी है। हाँ जी। हाँ, विट्टी क्या नाम रखा इसका? इसका देवराज रखा। देवराज। अच्छा अच्छा अच्छा, खूबसूरती भगवान ने बढ़िया दी है। इस कलर के घोड़े अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है दादा, ले लो इसको, ले जाओ। धन्यवाद साहब। बस बेटा, ये भी बाप की तरह सीधा ही है। अब थोड़ा बच्चा है, थोड़ी बहुत मस्ती करेगा।
राजू राजू क्या है? हेलो, यही ये गेट के पास में जो नहीं नहीं इधर ही उतार लेते, यहाँ वो रैंप बना हुआ है। नहीं गेट में घुसते ही राइट साइड में रैंप बना हुआ है, उधर लेके क्या पीछे वहाँ होगा कहीं, देख लो फिर उतारने की बाकी चलाया भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मत चला देना, कभी अकड़ जाए आज तो कहीं चलाए तो बस बस इसके लगाम लगाने शुरू कर दो, लगाम लगा के जाए इसका प्रेशर तो गया। हाँ प्रेशर बस बेटा रुको बस भैया, ये भी अपने अपने घोड़े का ही बच्चा है। हाँ ये अपने आर्यन का ही बच्चा है, मेरे पास जो पच कल्याण घोड़ी आपने भारी घोड़ी देखी। हाँ देखी थी उसका बच्चा है। उसका बच्चा अभी ये क्या एज का हो गया है? ये करीब डेढ़ एक साल का हो गया। डेढ़ साल का, डेढ़ साल 19 महीने का है। हाइट तो ये 63 के लगभग हो गया होगा, 63 प्लस ही है। अच्छा अच्छा, मार्किंग भी आपके घोड़े की बढ़िया ही आ रही है, दो पांव सफेद पूरा ब्लेज। हाँ ब्लेज तो उसके अपने घोड़े के हर बच्चे के चाहिए, सुनने माथे की घोड़ी पे भी छोड़ो, अच्छा ब्लेज तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लेज तो वो हर घोड़ी पे उसके ट्रेडमार्क है, कैसी कान की कान अच्छे देगा ब्लेज, हाइट तो दे ही दे रहा है।